जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको लाए हैं यूपी पुलिस का जो मेडिकल होने वाला है, जो 49 से 500 अभ्यर्थी रह रहे हैं जिनका मेडिकल होना बाकी है, उनके लिए एक थोड़ी बहुत ही अच्छी खबर है जो आप थोड़ा ध्यान से सुने, हमारे वीडियो को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें है 49,568 सिपाही भर्ती, मेडिकल टेस्ट कराने पर अगले हफ्ते होगा फैसला। यानी कि उनका जो मेडिकल रुका हुआ था कोरोना के वजह से, वो रुक गया था, उसको कराने के लिए अगले हफ्ते तक फैसला लिया जा सकता है। इसलिए आप जितने अभ्यर्थी हैं वो जिनका मेडिकल होना है वो पूर्ण रूप से तैयार रहें। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पुलिस एवं सिपाही के 49,568 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित होने के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू कराने की प्रक्रिया लॉकडाउन के कारण थम गई है। चयनित अभ्यर्थियों को मेडिकल टेस्ट अभी नहीं शुरू हो पाया है। अगले हफ्ते इस पर कोई निर्णय होने की संभावना है। तो दोस्तों आज आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा, अगले हफ्ते इस पर कोई निर्णय लेने की संभावना है। तो इसमें अगले हफ्ते तक, एक दो हफ्ते तक आपको पता चल जाएगा कि आपका मेडिकल कब होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भेजा जाना है। हालांकि ट्रेनिंग सेंटर पहले से भरे हुए हैं, दिसंबर 2021 तक जगह ही नहीं है, वहां अभी पिछले भर्तियों की ही ट्रेनिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 2 मार्च 2020 को चयन परिणाम घोषित किया था, यानी कि मार्च में आपका परिणाम आया था और अक्टूबर 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, जिससे में करीब 23 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 27 और 28 जनवरी 2019 को कराई गई थी, उसका परिणाम 2019 को जारी किया गया था। कुल रिक्तियों की संख्या को देखते हुए सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर 2.5 गुना ज़्यादा यानी 1,23,921 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। दोस्तों ये आपकी जो भर्ती है उसके बारे में दिखाया गया कि आपका कब पेपर कैसे हुआ था। ठीक है दोस्तों, इन अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों की जांच, शारीरिक मानसिक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया है। नागरिक पुलिस में सिपाही के कुल पदों में 5,966 पदों पर महिला सिपाहियों का चयन किया गया, जबकि 18,000 सिपाही PSC के लिए चयनित किए गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसका आपका जो मेडिकल का है जो होने वाला है उसका जो कब तक होगा उसकी डेट आपको जल्द ही मिलने वाली है, इसलिए आप पूर्ण रूप से तैयार रहें। और अगर आपको चाहते हो कि हमें जल्दी पता चले तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, और बने रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।